हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे और चंगे होंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज एपिसोड नंबर 170। आज मैं कुछ चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर के क्या इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं। अभी एक दो दिन की, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक्सपायरी हमारी रिसेंटली, आज वेडनेसडे है और कल हमारी जो एक्सपायरी है, कल इमीडिएट बेसिस पे लास्ट मंथ एंड एक्सपायरी है। सो, वो भी इम्पॉर्टेंट देखना है हमें कि एक्सपायरी के टाइम पे कैसा होने वाला है मार्केट। आज मार्केट ने एक अच्छा खासा छोटा सा गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद रिट्रेच हुआ, रिट्रेच होने के बाद अच्छे नीचे से रिकवरी आई, फिर एक हाई बनाया, हाई बना, तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से जानते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके। और उसके बाद एज यूजल आसान शब्दों में डायरेक्ट बाई एंड सेल का भी बता देंगे। घुमाएंगे नहीं कि भैया ये लेवल आया तो ऐसा करो, वो लेवल आया तो वैसा करो, ये आया तो वैसा करो, नहीं, डायरेक्ट बताएंगे इस लेवल पे सेल करो, इस लेवल पे बाई करो। सीधी बात, थ्री इडियट का डायलॉग याद है सर, आसान शब्दों में समझाइए ना, वही समझाऊंगा जो हमेशा मैं आपको देता हूं। चलिए मैं आपको शेयर करता हूं अपना स्क्रीन आपके साथ। आइए मेरे बड़े भाई, फाइनली राइट। तो थैंक यू सबसे पहले, और आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो सभी लोगों को बधाई, सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मार्केट में अच्छा पैसा कमा सको और कमाने के बाद उसका कुछ प्रतिशत गरीबों के लिए हेल्प कर सको, चैरिटी में दे सको, अपने हाथों से खाना खिला सको, डॉग्स को, किसी को भी। कर भला तो हो भला, सिंपल है ना। तो नेकी कर, दरिया में डाल, इस मुहिम में आप मेरे साथ जुड़ सको। सो, पैसा कमाओगे तभी ये सब चीज़ें कर पाओगे, है ना। तो आइए इसी चीज़ के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के कुछ लेवल्स हैं, जो कि मैं देने से पहले आपको चार्ट एनालिसिस पे ले जाता हूँ, उसके बाद अपन इस पे बात करेंगे। देखा होगा आज भी मार्केट एक रेंज है, मैं बोल रहा हूँ अब की बार 40,000 बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी अच्छे खासे लेवल्स दिए हुए हैं। डेली चार्ट, स्पॉट का चार्ट है ये, ठीक है, स्पॉट का चार्ट है ये। जो R4, R3, S4, S3 है, दीज आर सम हमारे जो मैंने आपको बताया, मैं कैमरेला फॉलो करता हूँ, तो वो कैमरेला का लेवल्स है। तो मैं इंट्राडे पे आपको मैंने स्ट्रैटेजी दी है, यूट्यूब में पड़ी है कैमरेला की स्ट्रैटेजी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है, तो वही डेली में भी कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ, काम करता है। आप पर्सनली जैसे वो स्ट्रैटेजी 5 मिनट पे था, इसे डेली पे लगा लो तो भी मज़ेदार चीज़ है। एनीवे, सो इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, आप देखो एक पावरफुल मुझे एक हडल दिख रहा है, क्या आप लोगों को भी दिख रहा है वो हडल? अगर मैं बात करूं इस कैंडल को, देख रहे हो, परफेक्ट सेलिंग कैंडल, परफेक्ट जिसको आप बोलते हो सप्लाई जोन, आपके लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं इस पे काम नहीं करता हूँ सप्लाई जोन अगर ये सब पे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से मैं अपने प्योर सेटअप पे काम करता हूँ, बट आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और इसी लेवल पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई यही बनाया था, इधर ही बनाया था ऑल टाइम हाई, अपना इधर बनाया, उसके बाद रिट्रेच किया, फिर आया, कोशिश करी, ठोका मार्केट को फिर नीचे, फिर कोशिश ही कर रहा था, लोअर लोज हायर लोज बन रहा था, और उसके बाद इसने यहाँ पे मार्केट ने चेन तोड़ी, ठीक है, तोड़ने के बाद हायर हाईज के फॉर्मूला में पहुंच गया, कैटेगरी में पहुंच गया, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी जो चल रही है 15,303, तो आपको अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो एक जोन आया है इन दिस लेवल, एक सप्लाई है, और अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन खींच देता हूं कि बॉस यहीं पे सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो थोड़ा सा एक अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट ने हॉल्ट लिया, पॉज लिया, उसके बाद गैप अप खोल के ठोका, मतलब ओवरऑल एक्सपायरी के पास में भी था। मजे की बात देखो सर, ये चीज बन कब रही है, क्या एक्सपायरी के पास में बन रही है, बीच में बन रही है, एक्सपायरी के इमीडिएट एक्सपायरी खत्म होने के बाद बन रही है, ये समझने की जरूरत है, ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है, राइट। तो उसके बाद आज गैप अप खोला, और गैप अप खोलने के बाद पहले डाउन आया, 5 मिनट के कैंडल में देख लेते हैं, खुद देखिए सर, गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद डाउन आया, बॉटम के लेवल पे एक प्रॉपर लॉन्ग लेग डोजी बनाई, 3-4 कैंडल यहाँ रिट्रेच किए। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं इसको अगर ऐसा मार्क कर लूँ, ठीक है, इसको अगर ऐसा मार्क कर लूँ तो आपको पता होगा दिस इज एक कैंडलस्टिक पैटर्न है ना,
तो यहाँ पे एक पावरफुल ब्रेकआउट आया, और अगर देखोगे अच्छी खासी उसके पास शूटअप हुआ मार्केट, और R4 के हमारे उसको क्लोज करके ऊपर बैठा, जो कल का हाई था उसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद इमीडिएट रिट्रेच हुआ, यानी कि दम नहीं था, कहीं कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खो रहा था ये, बार बार देख रहे हो, आया अचानक से रुक गया, दम नहीं था। उसके बाद ये एक पैटर्न बनता चले गया, आप फॉलो कर रहे होंगे तो, अगर आपको, आप एक्सपर्ट्स हो, पूरी दुनिया आपको ये चीज दिखाती है, तो यू गाइज आर एक्सपर्ट, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इसमें RSI की भी बात करूं, तो मैं RSI एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, 70 का ले लिया मैंने बड़े भाई, ठीक है 70 का ही है, परफेक्ट है। RSI में आप देखो, ये जो हाई था, ये जो हाई था यहाँ था, उसके बाद ये नया हाई बनाया, इधर आया, उसके बाद ऑलमोस्ट हाई से ऊपर हल्का सा ही गया, लेकिन इसका लो नीचे है, फिर ऊपर गया, यानी कि 1, 2, 3, 4 times। नाउ लुक एट दिस, देख रहे हो आप हाउ मेनी टाइम्स। तो क्या इस सिनारियो में बाई करना चाहिए? अगर आप RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर मिला होगा, नहीं जानते नो प्रॉब्लम, मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने मेरा 251 रुपीज देखे, जो चैरिटी के लिए मैंने किया था, उसमें मैंने एक सेटअप बताया था ट्रेंड लाइन वाला, कि कौन सा ट्रेंड लाइन मैं पावरफुल समझता हूं, और मैंने आपको बताया था कि बॉस लोअर लेवल पे जो बनता है, अगर ये ब्रेक हुआ, समथिंग कुकिंग वेरी बैड, राइट। सो काफी इसने एक यहाँ पे गिराने की कोशिश करी, R4 पे ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर आ गया, और फिर वहां पे मार्केट में जाते जाते वहीं पे क्लोजिंग दे दी, राइट। तो कह लो ये क्या था सर, एक प्रॉफिट बुकिंग थी, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आपकी चल रही थी मार्केट में, है ना। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां से तेज जाएगा या यहां से फॉल होगा, ये तो बोल रहा है गिरेगा, ठीक है 5 मिनट पर बोल रहा है गिरेगा, हमें क्या करना है, हमें तो लॉन्ग टर्म देखना है ना, 5-10 मिनट में, या फिर एक दिन दो दिन गिर भी जाए तो क्या करना है, ओवरऑल वी आर नॉट लुकिंग फॉर 1 or 2 days फॉर द स्टॉक मार्केट, राइट, वी आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि बॉस मैं लंबे समय के लिए इसमें निवेश करूं, लंबे समय तक मैं मार्केट में टिका रहूं और पैसा कमाऊं। अब आप नोटिस करो मेरे बड़े भाई, मैंने आपको बताया एक हडल, ब्यूटीफुल हडल इट इज, राइट, ये वाला हडल आया, तो अगर मैं इस पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दूं, तो क्या बोलते हो, खींच दूं, राइट। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, कहीं ना कहीं 15,321 के आसपास ही आ रहा है, और मैं आपको लेके जाना चाहता हूं अपने प्रीवियस, जो मैंने कल बताने की कोशिश करी थी आप लोग के साथ, 127 का SL लगाओ, 147-127 के आसपास बाई करो, क्या आ जाया, क्या आ जाया, 147-127 के पास बाई करो, नहीं आया भाई, ऑलमोस्ट 190 तक आया थोड़ा सा, और आता मैं डेफिनेटली यहाँ पे इसी रेंज पे R4 के आसपास का बाइंग आया था, एनीवे नहीं आया, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, बट थिंक फॉर द बाई, जिससे कि आप भले पैसा नहीं बना रहे, लॉस भी नहीं कर रहे, वो भी आपका पैसा बनने से कम नहीं है। अबव 270 गो लॉन्ग, क्लियरली मैंशनली बोल्डली टोल्ड यू, इस लेवल पे आएगा तो भी बाई करो, 270 के ऊपर तो तेज है ही भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो 270 कहाँ पे हमारा, इधर ही है, राइट। 270 के देखो ये हाई क्या है इसका, 258, ये स्पॉट प्राइस है। अगर मैं आपको फ्यूचर में ले चलूं, थोड़ा सा समझना सर, ओके, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप देखो इसका जो हाई है कितना है, 255, 270 के ऊपर बाई, बाई नहीं थी, जैसे ही नीचे से रिट्रेच आया, और 270 देखो ये लेवल मार्क कर रखा है ऑलरेडी मैंने, यहां क्लोजिंग थी, यहां पे आपको बाई देनी थी, 15,270 से मेरा हाई 15,322 पे मैंने ऑर्डर लिया, आपको हडल दिया है, यानी कि 40-50 पॉइंट और ऊपर, 30 तक आ गए हैं, 40 पॉइंट और नहीं आया, बस दैट्स ऑल, एक मार्जिन रखा था मैंने आप लोग के लिए, कि चलो मैक्सिमम अगर ज्यादा भी खींचे, आप लोग का SL भी उड़ाया तो यहां तक तो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, राइट। प्रूफ, 270 से 330, 60 पॉइंट्स के रैली इंट्राडे, प्योर सीधी बात, नो बकवास कि हाँ चार्ट में ऐसा लग रहा है, FIA बोल रहा है, DIA बोल रहा है, उसने बाई किया है, ऊपर इंटरेस्ट है, SGX निफ्टी है, यूरो मार्केट है, बाहर का मार्केट है, एशियन डाउ मामा है, सो मैनी थिंग्स आर देयर, जरूरत नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। तो यहां पे जो ये जो रेंज बन रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को आज इसने पैनिक किया है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, और जो पुराना रेंज है जो मैंने आपको बताया, एक अच्छा खासा सप्लाई जोन आया है इसी लेवल पे स्पॉट में, जो मुझे दिखा है
आप लोग अब आप बोलेंगे सर हम फ्यूचर देखें स्पॉट देखो, भाई देखो स्पॉट बेस है, जड़ है, बाकी ये फ्यूचर ऑप्शन ये फलाना ढमकाना सब ब्रांचेस हैं, राइट। सो जो स्पॉट है कोशिश क्या करो इस पर एनालिसिस करो। और यहाँ पे एक प्रॉपर छोटा सा हडल है जो कि मेरा ऑलमोस्ट 321 के आसपास ही हडल है, वहीं तक का इसने आज हाई बनाया एग्जैक्टली। और उसके बाद जो इमीडिएट हडल है वो एक छोटा सा हडल आपका, आप देखो 15431, क्या 15431 आपने देखा है बॉस, आप खुद जानते हो, राइट। सीखने की कोशिश करो, यहां से वो आया। एनीवे अब थोड़ा सा हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि अगर मार्केट को रियली तेज कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो जब शॉर्ट थोड़ा सा करेंगे तो जो लोग ऊपर के रेट पे माल प्रॉफिट बुकिंग कर दिए हैं उनको फ्रेश शॉर्ट सेलिंग मतलब सेलिंग शॉर्ट करवाएंगे, अगर वो फ्रेश सेल बैठेंगे तभी तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, तभी तो फायदा होगा। तो ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे यहां से सस्टेन कर रहा है तो चलेगा नहीं, एक छोटा सा पैनिक चाहिए, दो दिन का पैनिक चाहिए, हो सकता है मैक्सिमम तीन दिन का पैनिक चाहिए, और उसके बाद एक्चुअली में उसमें फिर दोबारा उसमें बैठ जाना बाइंग करने में, अब की बार 40,000 के पार, याद रखना, राइट। सो आइए मैं आपको ले चलता हूं, आशा करता हूं मैं आपको आगे चल के और भी इसके छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं कि किस दिन कैसे गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, अगर आपका प्यार मिलता रहा तो बिल्कुल दिल से देने की कोशिश करूंगा। एनीवे सीधी बात कर लेते हैं, आइए निफ्टी फ्यूचर्स लास्ट क्लोज 13,302, यस बॉलिंगर बैंड क्लियरली इंडिकेशंस प्लस आवर टाइम गोल थ्योरी, स्मॉल पैनिक विल कम फ्रॉम टॉप फॉर अट्रैक्टिंग किसको, बायर को नहीं, सेलर स्किल, जो सेल करना चाहते हैं, बियर कार्टल जो है जो सोचता है कि मैं सेल करने में बहुत इंटरेस्टेड, होते हैं ना दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक बायर और एक सेलर, एक बंदा जो खाली बाइंग करने में सोचता है, एक बंदा जो खाली सेलिंग करने में अच्छा पैसा एक्सपर्ट है। तो उन बियर कार्टल की बात कर रहा हूं, अराउंड 15,370, 15,430 गो शॉर्ट, 370 आने दो, पूछता कल गैप अप खुले ठोक देंगे, अराउंड 15,370, 15,430 गो शॉर्ट विद स्टॉप लॉस 470, सपोज इफ नॉट क्रॉस 15,347 टुमारो एंड स्टे बिलो 15,270 देन पैनिक विल कम अप टू 15,215, 15,170, छोटा सा ज्यादा बड़ा पैनिक नहीं दूंगा, ठीक है। इन पैनिक ओनली थिंग फॉर द बाय, यू ऑलरेडी नो वी डोंट, we don't give चलने वाले levels, right? Daily and daily. Our crucial support range 15,147, 15,127, ये नीचे का level, अगर इसके नीचे तो ही एक बड़ा panic देखेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर only buying on day, buy, 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 buy. Levels आप दोबारा copy pen लेके बैठेगा, आपको अच्छे से note करेंगे, तभी समझ में आएगा। Bank Nifty last close 34,699, याद है ना कब से buy करा रहा हूँ, याद है? Suppose if not cross 35,156, note करना, and stay below 35,430, 470, मान लो 156 को नहीं cross करता, ठीक है, और जो ऊपर का बहुत ऊपर का जो हडल है 35,470 के नीचे ही रहता, तो obviously बात है नीचे ही रहेगा, right? Then panic will come up to 34,256, 34,170 तक का पैनिक होता है, देर आफ्टर मोर पैनिक, बट इन पैनिक वी ओनली थिंक फॉर द बाई, और उसके लिए इमीडिएट बेसिस पे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ मैं इमीडिएट आपको वहां पे आके अपडेट करने वाला हूं। मंडे विल बी डिसाइड बिग प्लेयर वॉट दे विल डू, सो वी विल एनालिसिस फर्स्ट डे पोजिशन, देर आफ्टर विल थिंक। गाइस एक्सपायरी का टाइम है, कल एक्सपायरी है, आज भी एक्सपायरी थी, मतलब नियर एक्सपायरी थी, तो भाई थोड़ा सा एक्सपायरी के टाइम पे, और उसके बाद जो फ्राइडे है, थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, थोड़ा सा ये दो दिन कोशिश करो ट्रेड को अवॉइड करने की, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मोटे भाई हैं, जो ऑप्शंस राइटर हैं, जो आजकल आपने देखा होगा मार्जिन रूल, सेबी का मार्जिन रूल चल रहा है बहुत ज़्यादा आज की डेट में, वो लेके गए हैं बात करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ब्रोकर्स का जो एक एसोसिएशन है वो प्रॉपर एक बात करने के लिए, सेबी के जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ बात करने के लिए गए कि प्लीज़ आप ब्रोकरेज इतना सारा मतलब मार्जिन इतना बड़ा मत बढ़ाओ, 100% कर दोगे तो कैसे ट्रेड कर? भाई उससे रिटेल ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी, अगर होगा भी तो आप समझना मेरे भाई, आप हम लोग क्या बोलते हैं 95% रिटेल ट्रेडर लूजिंग मनी, कहाँ जाता है पैसा, और आज आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस राइटर है, तो मेरे बड़े भाई जो लीडर है जो ऑप्शन राइटर के, उनकी पेट पे दर्द, और दर्द हुआ तो
नो डाउट आपका अपना सोच है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन कुछ तो फिशी है दोस्त। छोटा रिटेल ट्रेडर हमेशा एडजस्ट करने में भरोसा रखता है। पेट में तकलीफ बड़े लोगों को होती है, और जब बड़े लोगों को लगती है कहीं ना कहीं उनकी दुकान बंद होती है। सोच के देखो सर, जो मोटा गेम करता है वो क्या आप फ्यूचर में करते हो, क्या आप कैश में करते हो, सिर्फ किस में करते हो, राइटिंग में करते हो। अगर मार्जिन बढ़ा दिया जाए तो जो राइटर्स हैं क्या होने वाला उनके साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वेट कर रहा हूँ। राइटर्स के साथ अगर मार्जिन फुल कर दिया जाए तो क्या होने वाला, सबसे ज्यादा पेन किसको होगा, बायर्स को या राइटर्स को, आपसे जानना चाहता हूँ। ध्यान से सोचिएगा, दिक्कत सबको होगी, नो डाउट, एक छोटा भाई को भी दिक्कत होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट, एनीवे टेलीग्राम का जो फ्री कॉल्स परफॉर्मेंस देता हूँ, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो भैया टाइटन दिया कॉल दी, M&M के फ्यूचर की कॉल दी, रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है, नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी दी है। आई एम सो सॉरी, टुडे वी बुक लॉस ऑफ 7,600 रुपीज, 100% ट्रांसपेरेंसी, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एंड ऑफ द मंथ हमारे अकाउंट में कितना बना है वो इंपॉर्टेंट है। उल्टा पुल्टा में कॉल पा लाया जिसमें हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी है। उसके अलावा स्टॉक कैमरेला का जो हमने फ्री स्ट्रैटेजी ये भी यूट्यूब में दिया, जो लोग नए फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ गो एंड चेक अवर यूट्यूब कैमरेला का परफॉर्मेंस, उसका भी मैंने आपको दे दिया है। 1,330 रुपये क्या प्रॉफिट होता है भाई, इसको मैं प्रॉफिट नहीं, इसको मैं लॉस ही मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ब्रोकरेज भी लगी होगी, सो आई नॉट कंसिडर दिस इज अ प्रॉपर प्रॉफिट। आज का दिन लॉस डे मानेंगे क्योंकि रेंज था, आपको भी पता है। एनीवे अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑप्शंस का एल्गो ट्रेड फ्रंट पेज में हमारी एक सर्विस चल रही है जो एक मात्र 1,700 रुपीज़ हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हमने आपको भारत फोर्स दिया 33 पे, 40 पे बुक कराया, टाइटन दिया 59 पे बुक कराया 53 पे दे के, M&M फाइनेंस दिया स्टिल वी आर होल्डिंग। तो इस तरीके के ऑप्शंस की बढ़िया क्वालिटी कॉल्स में आपको एक छोटे से, जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं, कहीं टाइम नहीं मिलता है, बिजी रहते हैं, वो चाहते हैं या कहीं से किसी की हेल्प हो जाए, तो बस इस कोविड के टाइम पे एक मात्र 1,700 रुपीज़ में मैंने एक पैकेज दिया एक महीने का, आप ले सकते हैं और इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, कितने लोग रेडी हैं रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी पार्ट टू के लिए? और बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा है कि सर रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी जो पिछली बार मैंने पिछले साल जो लिया था, ऑलमोस्ट 1500 लोगों ने उसके में सब्सक्राइब किया था और हाउसफुल था, वो भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और उसमें बहुत सारे मुझे अब ये डाउट आ रहा है सर हमने पिछली बार, जो नए लोग हैं सर पिछली बार हमने आपका रेलवे ट्रैक नहीं ले पाए, तो क्या कंपलसरी है रेलवे ट्रैक पिछली बार का लेना तब जाके ये फायदा होगा क्योंकि पार्ट टू है? नहीं भाई, रेलवे ट्रैक पार्ट वन प्रॉपर अलग स्ट्रैटेजी है, उसी से रिलेटेड पूरी मैं बताऊंगा, पूरा रेलवे ट्रैक पार्ट टू में जीरो से लेकर स्टार्ट करके पूरा बताऊंगा, उसी का एक और एडवांस और प्यारा वर्जन मैं आपको रेलवे ट्रैक पार्ट टू में देने वाला हूं, जो कि सुबह सुबह 10 से 15 मिनट में आपको टॉप गेनर के लिस्ट निकाल के देने वाला है, उसको आप खुद अपनी आंखों से एक हफ्ता 10 दिन बैक टेस्ट कर सकते हो और 100 रुपए के रिस्क पे उसमें आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इंट्राडे है, प्योर इंट्राडे, और जो ऑप्शंस वालों हो आप उसमें ऑप्शंस पे भी ट्रेड करते हैं। और ये चीज हमारे निफ्टी, इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी M6 के अंदर भी काम करने वाली है, ये इसके अंदर एड ऑन दे रहा हूं, इसलिए इसको रेलवे ट्रैक स्ट्रेटजी पार्ट टू दिया है। और मैं टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर पे काम नहीं करता, मैं कुछ लॉजिक्स पे और साइकोलॉजी ऑफ ऑपरेटर के ऊपर काम करता हूं। एक नहीं दो नहीं 10 से 15 ऑलरेडी यूट्यूब में स्ट्रैटेजीज दी हैं, उसका भी एक डैडी वर्जन रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ के लिए। देखना सर, समझना मेरी बात को, थिंक पॉजिटिव, अगर अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही मिलेगा, अगर मैं अच्छा सोच के दूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, राइट? तो मैं चाहता हूँ आप आइए, बेनिफिट उठाइए, लाखों रुपए मार्केट में लॉस करने को रेडी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पे है, लर्निंग पे है। ये सेटअप आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ, दोबारा ये सेटअप नहीं दूंगा सर, रेलवे ट्रैक पार्ट वन भी दोबारा नहीं देने वाला हूँ, सिमिलरली पार्ट टू दोबारा नहीं देने वाला हूँ। 5 तारीख को है, 50% से ज़्यादा सीट फुल हो चुकी है, और आपको पता है लास्ट टाइम पर लोग हैवी रश में आते हैं, तो हैवी रश के चक्कर में इमीडिएट बुक कर लो, सीट रिजर्व करा लो। मिलते हैं 5 जून को लाइव वेबिनार में बैक टेस्ट के साथ, बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया क्योंकि सर चार्टिंग के माध्यम से मेरा टाइम भी कंज्यूम होता है, इसलिए चार्टिंग नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कोशिश करूंगा आपको अगले चार्टिंग इस तरह से दिखाता रहूं अगर आपका प्यार मिलता रहे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से दूसरे ग्रुप्स में इसको शेयर करिए जिससे उनको फ्री में
हमारे इस किंग रिसर्च के एकेडमी के माध्यम से आप लोग को हेल्प हो सके। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं 9:15 पे लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड के साथ। टेलीग्राम इमीडिएट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय दोस्तों।